ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 44 पद संख्या 1 और 9 से 13 तक। हम पीढ़ियों के कर्मानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। आज का सुसमाचार संत मार्कुस से लिया गया है, अध्याय 11 पद संख्या 11 से 26 तक। यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे, मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देती थी। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेत्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम रोज किसी न किसी मतलब से
या रूटीन पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह हो, दोपहर, शाम को अपने कमरे में या चर्च जाकर अपनी प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या कभी गौर किए हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी फलप्रद हैं? निश्चय ही हमारी सब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती या पूरी नहीं होती है। कई कारण हो सकते हैं। हम बहुत बार बेध्यान या दो चिंताएं में विनती करते हैं। कई बार विश्वास और ईमानदारी की कमी रहती है। आज के सुसमाचार में इसी बात की ओर हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। प्रभु यीशु को शायद बड़ी भूख लगी थी। वे एक अंजीर के पेड़ से फल खोजने गए, किंतु फल न पाकर उन्हें गुस्सा आया। कह दिए, आज से तेरा फल कोई नहीं खाया। बाद में वह पेड़ जड़ समय सूख गया। उस पेड़ को श्राप देने का मतलब अपने शिष्य को यह शिक्षा देना था कि हम दृढ़ विश्वास के साथ किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें तो वह अवश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ तक यदि एक पहाड़ से हट जाने को कहते तो वह भी वहां से हट जाएगा। उसके बाद यीशु यरूशलेम मंदिर में खरीद बिक्री सौदेबाजी करने वालों से नाराज हो गए। उनको वहां से खदेड़ने भगाने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मंदिर यानी हमारी प्रार्थनालय को पवित्र रखना चाहिए। बाजार में खरीद बिक्री करते समय बेमानी, छल कपट, लूट खसोट होते हैं। ऐसे कार्य मंदिर में शोभा नहीं देते हैं। हमारे हृदय मंदिर को भी स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र और ईमानदार रखना चाहिए ताकि प्रार्थना करते समय ईश्वर को अच्छा लगे। अतः हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं को अधिकाधिक फलप्रद बनाने के लिए स्वयं पवित्र रहें, एक चित होकर पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रार्थना करें।